एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सबकी नजर रामपुर की स्वारा टांडा सीट पर टिकी हुई थी, जिस पर भाजपा गठबंधन ने बाजी मार ली है। ये सीट इसलिए खास थी क्योंकि आजम खान का मजबूत किला था, जिसे भाजपा गठबंधन ने ध्वस्त कर दिया। रामपुर के बाद स्वारा सीट पर भाजपा गठबंधन की जीत ने लगता है अब आजम खान का सियासी खेल पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए आजम खान की ओर से खेला गया हिंदुत्व कार्ड भी उपचुनाव में विफल साबित हुआ। स्वरा की जनता ने आजम परिवार को छोड़ इस बार अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी पर मोहर लगा दी है। अनुप्रिया केंद्र की मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। बीजेपी से गठबंधन के बाद स्वरा सीट अपना दल के हिस्से में आई थी, जिसके बाद इस सीट पर फतह हासिल करके आजम के आखिरी किले को भी ढह दिया गया है। रामपुर की स्वरा टांडा सीट से अपना दल के उम्मीदवार की जीत हुई है। बीजेपी गठबंधन ने अपना दल के उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को 9,734 वोट के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में अपना दल के उम्मीदवार को 67,434 वोट मिले और सपा उम्मीदवार को 57,710 वोट हासिल हुए। इस जीत के साथ भाजपा गठबंधन ने आजम खान का मजबूत किला ध्वस्त कर दिया। अब कह सकते हैं कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने आजम खान का सियासी खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे पहले रामपुर लोकसभा सीट के बाद विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी और अब स्वरा सीट पर भी भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूबे में यह आजम के सियासी युग का अंत है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।